स्नेहितरे, आज आपके बीच मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो भी भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा, उससे कांग्रेस नफरत करती रहती है। योग और आयुर्वेद सदियों से भारत की ताकत रहा है। मैसूर तो इसके लिए बहुत मशहूर है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हम योग से भी अपना दावा खोने लगे थे। विदेशी लोग थोड़ा बहुत यहां वहां करके योग को भी अपना बताने लगे थे, लेकिन कांग्रेस उसके मुंह पे ताला लग गया था। आपने अपने एक वोट से, आप मुझे बताइए भाइयों, आज पूरी दुनिया में योग की चर्चा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, हाथ पर करके बोलिए, पूरी दुनिया में योग की चर्चा है? आज पूरी दुनिया योग करती है? आज योग की दुनिया में पहचान बनी है? क्या कारण 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 है? आप सबका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज पूरी दुनिया योग करने लग गई है। भाइयों, बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत मसालों के मामले में प्राचीन वैश्विक शक्ति रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासन में तो हम अपनी हल्दी, उसकी तक पहचान खोने लगे थे। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग, हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूर के, कर्नाटका के किसानों को हुआ है।